अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली चिकन। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम कम मिकदार में हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है जिसे मैंने बहुत छोटा छोटा सा कट कर लिया है। यहाँ देखें, इतना इतना छोटा हमने कट कर लिया है। इसके साथ फूड कलर ले लिया है एक पिंच के बराबर। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च है, हाफ टी स्पून ही नमक है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। एक अंडा ले लिया है, पूरी रेसिपी में एक अंडा जाएगा। लहसुन के 4 जवे जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज चॉप कर लिया है, हरी प्याज इसे भी बारीक कट कर लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून ही काली मिर्च। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने ये मिर्चें ले ली हैं, हरी मिर्च इसे लंबाई में मैंने कट कर लिया है, 3 हरी मिर्च हैं। 3 टेबलस्पून सिरका है, पूरी रेसिपी में 3 टेबलस्पून सिरका जाएगा। इसके साथ मैंने ले ली हैं पीनट्स जिन्हें अलग से हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तिल का तेल ले लिया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल वो भी यूज़ कर सकते हैं, आम कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ले ली हैं वाइट तिल, ये मैंने 2 जगह लिए हैं, क्यों मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबल स्पून ही कस्टर्ड पाउडर है, 1 टेबल स्पून तिल और ये सुरख मिर्च हैं, इन्हें मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया था, रेड कलर हो गया। 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया, पानी में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, तो इन्हें मैंने डिप करके रख दिया है जिससे इनके सारे बीज निकल गए हैं, इनकी करवाहट ख़त्म हो गई है। ये मैंने तैयार करके रख ली है। तो यहाँ चिकन में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सिरका, आधा डालेंगे, आधा मैं अलग से रख रही हूँ। मिर्च, नमक और फूड कलर ये ऐड करेंगे, इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे अंडा, अंडा भी मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ रख लेंगे। और फिर इसमें हमने डालना है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून और इसे भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स इसके साथ। ये मिक्स हो गया, इसे साइड पे करते हैं। अब आ जाते हैं इन मिर्चों की तरफ, बाकी का अंडा डालेंगे इन मिर्चों में और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड और तिल, ये 3 चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ऐसे इन मिर्चों को भी हमने मिक्स करके रख दिया। इसे 1 घंटे नमक वाले पानी में ज़रूर रखिएगा। चलिए तो अब करते हैं बाकी तैयारी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें डालेंगे पीनट्स। पीनट्स को करना है हमने फ्राई अच्छे से, जलाना नहीं है, बस इन्हें क्रिस्पी करना है। यहाँ पीनट्स फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में और इसी ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया हमने, मिर्चों को डालेंगे और फ्राई करेंगे। मिर्चों को डाल देंगे, ऐसे इन मिर्चों को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। इसी पैन में हमने और ऑयल ले लिया है चिकन के लिए और यहाँ चिकन को फ्राई करना है हमें 1 बाय 1। मैं इसमें हाथों से यूज कर रही हूँ ताकि आराम से हमारा काम हो जाए। ऐसे 1 बाय 1 इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। वो धीमी आंच पे फ्राई कीजिएगा ताकि चिकन अच्छे से पक जाए, कच्चा नहीं रह जाए।
यहाँ चिकन फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल देती हूँ। एक दफा हमने चिकन को फ्राई कर लिया था और अब दोबारा से ऑयल गर्म हो गया है, अब दोबारा से इसे एक बार फिर से फ्राई करेंगे। चिकन को दो बार फ्राई करने से अच्छा क्रंची हो जाता है। ये दोबारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकालती हूँ जी। तो इस पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने रहने दिया है, बाकी निकाल दिया है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन जो चॉप करके रखा हमने, और इसको करते हैं हल्का सा फ्राई, जलाना नहीं है। और इसके साथ ही इस पे डाल देंगे प्याज, फ्लेम को यहाँ मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि पैन काफी गर्म है, इसलिए फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें ऐड करते हैं हरी प्याज, अब इसमें ऐड करेंगे सिरका, हरी मिर्च जो कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ जो मिर्ची हमने फ्राई करके रखी थी वो मिर्ची ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, ऐड करेंगे पीनट्स, सबको करेंगे फ्राई अच्छे से। और अब इस पे डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर डाल दिया, और अब इस पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। साथ ही इस पे डालेंगे तिल का तेल और वाइट बीन्स। बस अब इसे बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है, बस सब चीजों को हमने करना है मिक्स, और हमारा बहुत शानदार मजेदार सा चिकन रेडी है। मैं इसे करती हूँ डिश आउट जी। फ्रेंड, तो हमारा चिली चिकन बिल्कुल रेडी है और बहुत यमी, बहुत मजे का बना है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।